आप सभी मिस्त्री भाइयों को नमस्ते। और आज का आप लोग का ट्रेनिंग का के लिए जो मैं वीडियो बनाया हूं वो है कॉलम सेंटर लाइन कैसे करें। और ट्रेनिंग का आज आठवां पार्ट है। जो मिस्त्री भाइयों इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखे हैं, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको दिख जाएगा सारा सब सारा पार्ट। तो आज जो है का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भाई कि कैसे सेंटर लाइन दे, क्योंकि अभी यहां पे क्या होता है कॉलम सेंटर लाइन के समय जो है एक्सप्रेशन का काम हो गया रहता है। अब एक्सप्रेशन का काम हो जाने के बाद जो है अब उस पिट मतलब गड्ढा में कॉलम का सेंटर लाइन कैसे निकालना, अभी फाउंडेशन काम भी नहीं हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सप्रेशन के बाद जो काम आता है कि भाई हमें ग्रिड पिलर बना लेना है। ग्रिड पिलर आप जैसा कि वीडियो में देख भी रहे हैं कि यहां पे ग्रिड पिलर बना हुआ है, लाल ईट में है। तो इस ग्रिड पिलर बनाने के बाद जो है हमें जहां भी जो ड्राइंग मेरे पास रहेगा कॉलम सेंटर लाइन, अब ये ऐसे नहीं का अंदाजे बना लेना है, जो हमारे पास कॉलम सेंटर लाइन का ड्राइंग रहेगा उसी को देखते हुए जो भी ग्रिड हो ए बी सी डी ई एफ जी एच एस लेकर के 1 2 3 जो भी ग्रिड हो, चाहे एक्स एक्सिस में ग्रिड हो चाहे वाई एक्सिस में ग्रिड हो, जो भी ग्रिड हो उसको हमें जो है ग्रिड का पॉइंट बना लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर ये मेरा जो है था प्लॉ बिल्टअप एरिया, तो इसके चारों साइड जो है हमें ग्रिड पिलर जहां जहां ग्रिड मार्किंग था उसको हमें तैयार कर लेना है। तो ग्रिड पिलर आपका ये हो गया। हम यहाँ पे इसे एग्जाम्पल दिखा करके बता रहे हैं आपको। तो ये तैयार जब कर लेंगे तो हमें जो है यहाँ पे कॉलम का सेंटर लाइन निकालने में बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, तो ग्रिड पिलर बन गया तो यहां से हम डायरेक्ट जो है जो मेरा जहां जहां सूता है लाइन रहेगा सॉरी उसको हम जो यहां से खींच लेंगे। ठीक है, ये लाइन नहीं खींचाएगा, ये हो गया ग्रिड पिलर के ऊपर लाइन। अब जहां जहां मेरा कॉलम है मान लिया कि हम इस कॉलम का सेंट्रल लाइन निकाल रहे हैं तो ग्रिड पिलर खींच दिए। खींचने के बाद हमें क्या करना है, सूता लगाना है, फिर हमें सूता लगाना है। ठीक है, सूता खींचने लगाने के बाद हाँ याद रहे कि आपका जो है पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट पूरा हो गया होगा तभी जा करके आप ये काम जो है सेंटर लाइन ले सकते हैं। अब जहां भी आया आपका जैसे ग्रिड जिस कॉलम की हम बात कर रहे हैं मान लीजिए इस तरह का, तो दोनों साइड से मेरा ग्रिड खींचा हुआ, तो अब इससे हमें क्या लेना है, प्लम बॉब, प्लम बॉब लेना है, मतलब पूरा 90 डिग्री जो है नीचे हमें लेके जाना है। जैसा ऊपर है तो अगर ये ग्रिड लाइन था इसे प्लम बॉब खींचेंगे तो नीचे जो मेरा पीसीसी किया हुआ है उसी के ऊपर हमें 90 डिग्री में इसको जब खींचना है तो यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेना है। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, प्लम बॉब लेना है, उससे के लिए हमें क्या लेना है, मसाला, मसाला लगाना है, मतलब जैसे प्लास्टर करते हैं ना उसी तरह से जो फ्लोर के ऊपर जो मसाला लगा देंगे जहां पे पॉइंट आ रहा है। पॉइंट आने के बाद जो है ध्यान रखिएगा कि 2 से 3 पॉइंट एक्स एंड वाई लाइन में लेना है। अब इसको हम समझाते हैं जरा सा। तो ये जो ग्रिड लाइन रहेगा इससे ऊपर से प्लम बॉब जो है एक यहां लेंगे, एक यहां लेंगे, एक यहां लेंगे। ठीक है, फिर ये हो गया एक्स लाइन और ऊपर से एक यहां लेंगे, एक यहां लेंगे, एक यहां लेंगे, ये हो गया आपका वाई लाइन। फिर क्या करेंगे आप, नीचे जो है हमें जो है इसके ऊपर लाइनिंग खींच देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं इधर से यहां से खींच देंगे। तो ऊपर वाला क्या हो गया, मेरा जो है ग्रिड लाइन नीचे आ गया। ठीक है, और वो किस पे होगा, मोटर के ऊपर होगा, जो मसाला प्लास्टर के लिए चाहे चिनाई के लिए बनाते हैं उसी तरह का मोटर होगा।
और ये प्लास्टर जैसा लगाना है, मसाला लगाना। मसाला जो है यहाँ पर हम इंग्लिश में लेंगे, मसाला मतलब हो गया मोटर आपका, ध्यान दीजिएगा इसको। दो से तीन पॉइंट एक्सरसाइज में लेंगे तो फिर मेरा कुछ इस तरीके से प्लस साइन बन जाएगा, तो वही मेरा सेंटर लाइन हो गया। अब इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में समझाते हैं, जरा समझिएगा इस चीज को लेकर के जो है। अब इसको जरा समझिए, अगर मेरा माल ये मेरा प्लस लाइन ऐसे हमने जो है निकाला ये पॉइंट, और मेरा कॉलम का जो साइज है कॉलम साइज मेरा जरा ध्यान दीजिएगा 9 इंची बाय 12 इंची है, लेकिन इसके अंदर जो मेरा रिंग का जो साइज रहेगा ये तो चारों साइड से मेरा एक एक इंची माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा 7 इंची बाय 10 इंची। एक्चुअली मैं आपका जो है कॉलम का साइज 9 बाय 12 है, 7 इंची बाय 10 इंची रिंग का साइज कैसे हुआ, 1 इंची इधर माइनस हो गया 1 इंची इधर, तो 9 इंची में से 2 इंची हो गया माइनस, 7 इंची बचा ऊपर से भी 1 इंची इधर 1 इंची इधर 2 इंची, 12 में से 2 इंची 10 इंची, तो रिंग जो है मेरा साइज कितना बचा 7 इंची बाय 10 इंची। अब जो हमने जो सेंटर निकाला था, तो अब इसको अगर हम जरा इसको एक अनुमान लगाते हैं कुछ इस तरह से, अगर डिवाइड करेंगे इसका सेंटर में, तो मेरा यहाँ पर क्या आया था, इधर से कितना है 7 इंची है, इस 7 इंची में से 3.5 इंची इधर 3.5 इंची इधर ले लेंगे। अब जो जरा ध्यान दीजिएगा, इस लाइन से 3.5 इंची आप यहाँ पे एक ठो मार्किंग कर दीजिए 3.5 इंची। अब इसी लाइन से इधर जो है 3.5 इंची मार्किंग कर दीजिए, फिर इधर भी 3.5 इंची मार्किंग कर दीजिए, इधर भी 3.5 इंची मार्किंग कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, इस लाइन को हमें मिला देना है, इसको फिर से जो है सूता लेकर के इसको दोनों को मिला देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब फिर समझिएगा, फिर इसका सेंटर से उन्हें क्या होना चाहिए, 10 इंची ये है रिंग का साइज, 5 इंची इधर 5 इंच इधर, तो 5 इंची हम यहाँ इस लाइन से 5 इंची हम यहाँ मार्किंग करेंगे, 5 इंची यहाँ मार्किंग करेंगे, 5 इंची यहाँ मार्किंग करेंगे, 5 इंची यहाँ मार्किंग करेंगे, फिर ये लाइन को हमको जो है मिला देना है। अब तो मेरा क्या, ये रिंग का पोजिशन का आ गया ना, तो ये आपका ऑटोमेटिक 7 इंची बाय 10 इंची का मेरा मार्किंग मिल गया, तो ये टोटल फाइनल मेरा हो गया 7 इंची बाय ये पोजीशन और ये कॉलम का सेंटर लाइन को लेकर के जो है 7 इंची बाय 10 इंची का, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, 7 इंची बाय 10 इंची मार्किंग। अब रिंग ला करके हम यहाँ पे बैठा देंगे और इसके ऊपर हम जो है जाली रख देंगे, यानी जाली के ऊपर फुटिंग जाली के ऊपर जो है हम रिंग लगा देंगे, रिंग के ऊपर हम लोग जो कॉलम का केज बैठा देंगे, तो मेरा एकदम परफेक्ट सेंटर लाइन हो गया। और इससे अगर ऐसा करते हैं, फिर जब ये ढलाई सेटिंग करेंगे तो ये ढलाई होकर के आपका जो है थोड़ा बढ़ेगा जो 9 इंची 12 इंची का, और सेटिंग जो हम जो करेंगे कॉलम ढलाई के लिए 1-1 इंची बाहर से करेंगे, और यहाँ पे आपका कॉलम का रिंग ये हो गया रिंग का पोजीशन, और ये हो गया कॉलम का सरिया का पोजीशन। तो कुछ इसी तरीके से जो है आपको अपने घर कॉलम का सेंटर लाइन निकाला जाता है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गए, कुछ भी तरह कंफ्यूजन नहीं रहा होगा कि भाई सेंटर लाइन कैसे निकालना है। और हाँ, अब ऐसा अगर आप करके चलते हैं, जरा समझिएगा, अगर लाइन थ्रेड मतलब सूता खींच करके ग्रिड पिलर करके करते हैं, तो आपका 1 इंची भी कॉलम अपने जगह से आगे पीछे बिल्कुल नहीं होगा, ये मेरा दावा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के, तो 1 इंची भी आगे पीछे नहीं होने वाला है, ठीक है, आपका एक्यूरेट अपने पोजिशन पे बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप अपने मिस्त्री भाइयों को भी भेज दीजिए। और ये वीडियो सिर्फ मिस्त्री भाइयों के लिए नहीं है, एक इंजीनियर हो, एक आम आदमी हो, सबके लिए वीडियो बनाया हूँ, बस एक हम जो है मिस्त्री भाइयों का टैग लगाया हूँ, क्योंकि उन लोगों को जो है सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जिससे कि मेन तो काम वही लोग करते हैं जिससे जो साइट में एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से हो सके, और खास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए,
क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा, उससे बेनिफिट वैसे होता है। जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो बना देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।